बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकमार स्टूडेंट आई एम प्रोफेसर अब्दुल रहमान एंड टुडे वी विल एनालाइज अबाउट अ बुक दैट इज़ माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट सो माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बुक फॉर योर रिशेपिंग योर रूटीन लाइफ आपकी लाइफ बनाने के लिए ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम इस किताब के एक एक असूल को देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें मुशाह करने में आई है कि ये चीज़ें जो रूटीन के साथ हम करते हैं ये डेफिनेटली इस बुक के पढ़ने के बाद जो है हम उन चीज़ों को किसी और वे में करने की कोशिश करेंगे अगर हम इसी तरह इनको करेंगे तो हमें जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ माइंड मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत है सिर्फ हम अपनी कमयाबी के लिए टाइम मैनेजमेंट को ही एक आला तसव कर रहे होते हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड mind management is very compulsory because these both things are very essential for a success so before ma time management we should also mind management is very necessary so on this uh, specific video we will discuss about the mind management not time management so this is a book written by david kdv so you should also learn this book you should also read this book and from this book you can also change your ideas which you have may, may, made up in your mind that that is true. But after reading this book, you would also change your uh, mind management, not time management. Let's start with the book. Uh, uh, after reading book, this book, we have concluded 12 key lessons from mind management, not time management. So these um, 12 messages, these 12 lesson are the uh, a great key to success so we should adhere these 12 lessons from this this book if you do not have any time to uh, read this book you may also uh, get uh, these uh, 12 points that are very necessary after reading this book so let's start with the first one that is being productive today isn't about time management it is about the mind management productivity is very compulsory thing Productivity of mind is something special. Every day we have to produce something new that is associated with our mind management. It is not associated with the time management because if our mind is accepting to do something, then we will manage the time. The first thing is to uh, think about to meditate about the. माइंड मैनेजमेंट ओके वट यू आर गोइंग टू डू वट यू आर गोइंग टू प्लान सो माइंड मैनेजमेंट ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के अलावा तो हमें सबसे पहले अपने माइंड की मैनेजमेंट करनी चाहिए रादर दैन टाइम की लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन नॉट ऑल ऑफ़ आवर आर क्रिएटेड इक्वल इफ़ यू आर राइट एंड आज आर डे विद एन अयर यू विल हैव अ बुक और जो कॉट इन स्टेड सिंपली रॉ थ्री सिक्सटी फाइव आर्स क्रिएट एंड गेट द सेम रिज़ल्ट अगर आप जो है हर रोज जो है आ, कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं एक आप इक्ली क्रिएट नहीं कर सकते हैं. अगर हम इसी तरह जो है एक दिन में कुछ लिखते हैं तो आपको किताब मिलेगी और अगर इसके अलावा जो सिंपली हम 365 डेज लिखते रहेंगे दैट वुड समथिंग एल्स अब ये दोनों चीज़ें जो है माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ जरूरी है तो हमें कोई चीज़ क्रिएटिव करनी चाहिए ना कि जो है हमें टाइम स्पेंड करते रहना चाहिए उसमें तो क्रिएटिविटी इज़ समथिंग पॉजिटिव थिंग फॉर द ब्रेन स्टॉमिंग तो सो हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना है हमने जो है एक नई चीज़ बनाने की तरफ जाना है ना कि टैम को देखना है द फोर्थ वन दैट इज़ द फर्स्ट आर्ज रू इज सिंपली दिस दैरा घंटा जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेंड द फर्स्ट आर ऑफ़ योर डे वर्किंग ऑन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट सी इफ़ यू आर

आपने एक घंटा स्पेंड करना है कि मैंने इसको करना कैसे है और ये होगा कैसे तो इनशाला आप इसको बड़े परफेक्ट अंदाज में कर पाएंगे लेट्स विद द नेक्स्ट वन इफ़ यू स्टार्ट योर डे वर्किंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप अपना दिन जो है बहुत अहम चीज़ के ऊपर करेंगे देर इज़ लेस ऑफ चांस फॉर द अदर थिंग टू गेट इन द वे इसका मतलब ये है कि आपने अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कर रहे हैं और उसके अंदर आपने माइंड को सेट कर लिया है माइंड बना लिया है तो बहुत मुश्किल चांस है कि इस चीज़ के दरमियान कोई और चीज़ आ जाए और वो आप ना कर पाए बिकॉज़ यू हैव जस्ट मेड अप योर माइंड टू डू थिंग आप उस अपने आइडिया के साथ बिल्कुल एसोसिएट हो गए हैं जुड़ गए हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा तो लेट्स स्टार्ट विद द मेकिंग ऑफ़ योर माइंड हमने क्या है कि अपने माइंड्स को बनाना है जब हम बना जाएंगे तो वहीं करेंगे और वो करके रहेंगे

एक जो है हमारा एक तख्लीकी सरगर्मी ले रहा है ऑन द अदर एंड दूसरी साइड पर हमारा जो है तज़ाती काम कर रहा है तो अपने माइंड को जो है टाइम मैनेजमेंट के बजाय हमने अपने माइंड के अंदर क्रिएटिविटी डालनी है ताकि जो है वो क्रिएटिविटी जो होगी वो आपकी एक्चुअली चीज़ों को डिस में और इनोवेटिव वे में लेके आएगी द सेवन वन द पॉइंट ऑफ द टाइम इज़ नॉट टू द फील मच एज लाइफ पॉसिबल इन इन टू अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम दिए गए टाइम के अंदर जो है वक्त का तकाजा यह है कि हम अपनी लाइफ को दिए गए टाइम के अंदर एक मुंसलिक करें द पॉइंट ऑफ द टाइम इज़ टू यूज़ टाइम एज ए गाइड बल्कि हमने उस टाइम को एज ए गाइडलाइन देखना है अगर हम अपनी लाइफ को फुलफ़िल करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है कि हमने अपने टाइम को जो गिवन टाइम ऑफ यूनिट है उसके अंदर हम अपना जितना मुमकिन हो सके उसको फिल करना ज़रूरी नहीं है बल्कि उस टाइम को गाइडलाइन के तौर पर अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन एन एन आवर्स इंक्रीज इन एवरेज डेली स्लीप रेजेज प्रोडक्टिविटी बाय मोर देन वन ईयर आर वन ईयर्स इंक्रीज इन एजुकेशन बहुत खूबसूरत बात की गई है कि आपने अगर जितना ज़्यादा एक घंटा अगर पढ़ने में अगर एक साल में आप ज़्यादा कर देते हैं उससे बेहतर जो है एक आर की स्लीप लेंगे ज़्यादा तो आपके अंदर एक प्रोडक्टिविटी क्रिएट होगी तो स्लीप एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है तो इसलिए आपने स्लीप को कम नहीं करना नींद को कम नहीं करना क्योंकि नींद के करने के बाद आप एक नई से नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं आपकी क्रिएटिविटी के अंदर जो है आपकी तखलीकी सरगर्मियों को बेहतर करती है ए, एक घंटा ज़्यादा तालीम करने से पूरे साल में अगर आप एक घंटा ज़्यादा सोते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बेहतर बनती है तो इसको अपनाने की बड़ी ज़रूरत है इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है कि हमने अपने नींद को ज़्यादा करके अपनी तख्लीकी सरगर्मियों को हमने बेहतर बनाना है नाइन्थ वन वन you आर रेंडमली स्विच फ्राम वन एक्टिविटी टू अनदर जब हम अक्सर अवकात जो है हम अपनी एक सरगर्मी से दूसरी सरगर्मी में दाखिल होते हैं या चेंज करते हैं स्विच करते हैं यू आर एनर्जी तो इस दौरान आपकी एनर्जी जो होती है जो आपका ना होता है वो लीक हो जाता है यू आर द टाइम लिटल जोअर एनर्जी आप जो हर वक्त करते रहते हैं उसमें आपकी थोड़ी एनर्जी कम वेस्ट होती है लेकिन स्विच करने से क्या होगा वो ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी एनर्जी लीक होगी द टेंथ वन दैट इज रिसर्च बेस्ड इट इज एसोसिएटेड विद द रिसर्च हावर स्टडी फाउंड दैट द बिजियर नॉलेज वर्कर व लेस क्रिएटिव दे वैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस ई अगर आप मिसाल के तौर पर आप बिज़ी वर्कर हैं तो आपके अंदर क्रेविटी जो है तख्लीकी जो चीज़ पैदा होती है वो कम पैदा होगी दिस स्टडी फाउंड दैट द वर्कर बिकेम मोर बिजी जितने ज़्यादा काम करने वाले वर्कर जो है अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे दे डिड लेस क्रिएटिव थिंकिंग एक्टिविटीज़ वो अपनी जो है उनके अगर तख्लीक सरगर्मियाँ जो होती हैं वो कम करेंगे तो इसलिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर सिर्फ उस्ताद उत्जा कराम और टीचर्स जितने भी हैं उनको सिर्फ पढ़ाने तक ही लगा रखा जाता है उसको मसरूफ़ ही किया जाता है अगर हम उनको उनके अंदर जो है उनको थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी आएगी एक अच्छा सोचेंगे एक नई सोच डेवलप होगी इसके ऊपर काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है इस किताब से ये सबक बहुत शानदार मिला है और स्टडी से जैसा कि है ब्रेन है हम जो है ब्रेन कर सकते हैं देर देर रिपोर्टेड फ्यूअर इनसाइट एंड देयर वर्क वाज रेटेड एज लेस क्रिएटेड बाय देयर कुलीग्स जबकि उनके जो कुलग्स होते हैं वो आ, इतनी क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर सकते जितने वो लोग जो फादर टाइम भी एक लम्हे के लिए बैठते हैं और जाकर सोचते हैं तो डेट तो इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस वीडियो यू शुड लर्न दैट आपने अपने काम में से कुछ चीज़ एक तख्लीकी सरगर्मी के लिए भी निकालना है जितनी ज़्यादा तख्लीकी सरगर्मियाँ करते जाएँगे आपके लिए बेहतर होता जाएगा क्वेश्चन नाइन अलेवेंथ जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको देखते हैं नॉइज़ लेवल कैन आल्सो अफेक्ट योर एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिविटी अगर आप जहाँ पे बैठे हैं काम करते हैं वहाँ पे अगर नॉइज़ का डेसिबल ज़्यादा है लेवल ज़्यादा है तो ये भी आपकी तखलीकी सरगर्मियों को जो है डैमेज कर सकता है डेट्रीमेंट हो सकती है आपके तख्लीकी सरगर्मियों में स्टडी सजेस्ट दैट द बैकग्राउंड नॉइज लेवल ऑफ़ द अबाउट सेवेंटी डेसीबल इज़ ऑप्टीमल फॉर द आइडिया जनरेशन अगर आप कोई तख्लीकी सरगर्मी लेना चाहते हैं तो मैक्सिम जो नॉइज़ का लेवल है वो सेवनटी डेसीबल होना चाहिए अगर आप कुछ यूजफुल करना चाहते हैं देट इज़ वेरी वेरी एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट इन दिस रिसर्च तो इसको हमने बहुत गौर से देखना है द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज थिंग्स आर नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक चीज़ें जो है मुश्किल नहीं होती बनाने के लिए वाट इज़ डिफ़िकल्ट इज़ पुटिंग आवर सेल्फ इन टू द स्टेट ऑफ माइंड टू मेक दैम हमने अपने दिमाग में उनको बनाने का आइडिया जो है मतलब फिर वहीं तख्लीकी सरगर्मी माइंड के बारे है तो उसको बनाना है ये हमारे लिए सबसे एक अहम पॉइंट है तो इस चीज़ को हमने देखना है कि हमने जितनी चीज़ें चीज़ों को चीज़ें बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन चीज़ें को बनाने का जो आइडिया है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जो आपने सोचना है माइंड बनाना है कि ये किस तरह होगी तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने होती रहती हैं अब इस बुक से इस रिसर्च से हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि हम यानी हम रूटीन की बात करते हैं कि हम मेहनत सख्त कर रहे हैं लेकिन हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाते विदाउट न्यू क्रिएशन इनोवेशन जो है आपका आइडिया जो है ना बिल्कुल डल लगता है इसलिए आप अपने काम में क्रिएटिविटी डाला करें इनोवेशन डाला करें जो आपके काम को बहुत बेहतर बना देगी इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है ये बहुत शानदार बुक थी इससे बहुत शानदार लेसन थे तो आपने इनको देखना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल ए आर स्मॉल टॉक ए आर स्मॉल टॉक एजुकेशन फैसिलिटी और इस तरह की चीज़ें आपके सामने ले आते हैं और हमारा दूसरा चैनल जो है वो टीन स्पोर्ट है उसके साथ साथ खेलों के एनालिसिस और खेलों की खबरें लाता है तो आप बर करम इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें असलकुम